as he emerges from his limousine. The excitement here is palpable. A shout of excitement, a loud cheer rises as the Prime Minister moves towards the children. ये बच्चे जब बड़े होंगे अपने नाती पोतियों को राजा रानी की नहीं, काल्पनिक सुपर हीरोज की नहीं, बल्कि इन क्षणों की कहानियां सुनाएंगे जब उन्होंने प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया था, उन्हें गले लगाया था। कभी कभी एक क्षण भी हमारी जिंदगी बदल देता है और कुछ नया कर गुजरने की प्रेरणा से भर देता है। ये वही पल हैं और ये बच्चे बड़े होकर यकीनन कुछ बड़ा कर दिखाएंगे और तिरंगे के रंगों के असली मायनों से जमीनों आसमान के रंग भर देंगे। प्रधानमंत्री जितना आनंद बच्चों से मिलने में प्राप्त करते हैं, उतना ही आनंद बच्चे उनसे मिलकर अपने लिए ऊर्जा बटोर कर प्राप्त करते हैं। आज के समय में प्रधानमंत्री को इतने निकट से देखना और मिलना एक सपने की तरह लगता है। एक समंदर सा लहरा रहा है यहां लाल किले के सामने बच्चों का। 36 स्कूलों की 3,500 छात्राएं, एनसीसी के 700 कैडेट्स और 5,000 छात्र हैं 72 विद्यालयों के, सभी मिलना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री से। A visibly excited group of children and a visibly excited Prime Minister. And some wonderful energy exchange there. Young children and students are the heirs of a nation and they are the pillars on which the future of a country rests. Understanding, reaching out, a desire to achieve with integrity, the courage to act from truth and the wisdom to reflect. Three critical qualities that these young citizens absorb from all around and from adults and leaders that they look up to. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर आज के स्वाधीनता दिवस में शामिल बच्चे और एनसीसी कैडेट्स बेहद प्रसन्न हैं, उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। देश के कल की तस्वीर इन बच्चों के लिए माननीय प्रधानमंत्री को अपने बीच पाना एक अविस्मरणीय और यादगार अवसर है। प्रधानमंत्री महोदय ने हमेशा ही भारत की युवा शक्ति को बेहद खास माना है, जो देश को आगे ले जाने और भारत की प्रगति की यात्रा में सदैव ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। भारत युवाओं का देश है और यकीनन ये बच्चे माननीय प्रधानमंत्री के साथ बिताए गए पलों को हमेशा अपनी यादों में संजो कर रखेंगे। राष्ट्रीयता के रंगों से दमकता हुआ लाल किले के सामने का परिसर और बेहद प्रसन्न ये बच्चे माननीय प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर। निदा फाजली ने कहा था, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। बच्चों की आंखों में भविष्य के सपने हों और फिर उन्हें साकार करने के अवसर हों तो फिर असंभव क्या है।